चलो आसिफ एंड रवि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो 1:1, अगर दिया हुआ है तो वही फॉलो करना है। ठीक है सर। देयर फिक्स कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल वाज 6 लाख एंड 4 लाख। उनका कैपिटल दे दिया 6 लाख और 4 लाख। अब पार्टनरशिप डीड में बहुत कुछ लिखा हुआ है सर। क्या क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4% पर एनम लेना भी है। सर आसिफ को सैलरी देना है 2,000 पर मंथ, पर मंथ। रवि को कमीशन देना है 5% ऑफ करेक्ट नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर मतलब 5/105 नहीं, 5/100 उसको बिफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिफोर बोलते हैं। ठीक है। आसिफ को रेंट मिलेगा 3,000 पर मंथ क्योंकि उसने अपना प्रॉपर्टी फर्म को दिया है। ठीक है। नेट प्रॉफिट जो था बिफोर प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द एडजस्टमेंट वाज 4 लाख। नेट प्रॉफिट इन सब के एडजस्टमेंट्स के पहले कितना था बेटा? 4 लाख। दोनों पार्टनर 5,000 पर मंथ बिगिनिंग में विड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को बनाना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है? एकदम धीरे धीरे जो है प्रोसीड करो, एकदम धीरे धीरे। सबसे पहले खोजो बेटा नेट प्रॉफिट कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन ये रहा नेट प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है तुम लोग को? एडजस्टमेंट नंबर ई में क्या? हाँ सर, ये रहा एडजस्टमेंट नंबर ई और ये रहा नेट प्रॉफिट। कितना है? 4 लाख। कहाँ लिखोगे नेट प्रॉफिट? बाई नेट प्रॉफिट, यस और नो? तो यहां लिखो बेटा बाई नेट प्रॉफिट। ऊपर में लिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। उसके बाद पर्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट, पर्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट, पर्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट, पर्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट। डेबिट क्रेडिट लिखो गुनगुन। बाई नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 4 लाख। नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस होगा? रेंट माइनस होगा। 3,000 पर मंथ का रेंट है, पूरे साल भर का रेंट कितना माइनस होगा? 36,000 माइनस होगा ना। नेट प्रॉफिट जो है 4 लाख, उसमें आसिफ ने एक प्रॉपर्टी दिया है जिसपे उसको 3,000 करके भाड़ा मिलेगा, तो पूरे साल भर का रेंट माइनस हो जाएगा। कितना आएगा फाइनल फिगर? क्या बचेगा? ये आ गया करेक्ट नेट प्रॉफिट। क्या आ गया? करेक्ट नेट प्रॉफिट। अपने एक सम्स किए थे लास्ट का जो मैंने लिखाया था, उसमें रेंट माइनस करवाया था मैंने, याद है ना? डन। नेक्स्ट आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो ना, 6 लाख और 4 लाख है और 10% का रेट है। आसिफ और रवि नाम है, आसिफ और रवि नाम है, 6 लाख और 4 लाख है, 10% दे दो। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आसिफ को भी देना है और रवि को भी देना है, राइट? 6 लाख है उस पर 10% और 4 लाख है उस पर 10%। कितना कितना आएगा? 60,000। और कैसे आया? 6 लाख का 10%, 4 लाख का 10, सॉरी डिटेल में लिखना था इसको। टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 1 लाख। ये इधर कॉलम में लिख देना, 6 लाख का 10% 60,000, 4 लाख का 10% 40,000। टोटल कितना आ गया? 1 लाख। आगे बढ़ो सर। आगे क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना परसेंट पर एनम है? कोई मेरे को बता सकते हैं ड्रॉइंग्स कैसे बनाएंगे सर, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 5,000 पर मंथ है, ये रहा है ना, इनटू लास्ट लाइन, ये रहा इनटू 12 करना पड़ेगा, इनटू कितना परसेंट है? ये रहा 4% बाई 12। ये दोनों पार्टनर का आ जाएगा। कितना कितना आ रहा है?
दोनों का 1300 1300 दोनों का, क्योंकि सेम है तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आसिफ का और रवि का 1300 1300 टोटल कितना हो जाएगा 2600। वेरी गुड, 1300 1300 2600। और क्या बच गया? ए का काम हो गया ना, ये रहा ए का काम हो गया, बी का काम भी, सी तो बाकी है। 2000 पर मंथ सैलरी है, पर मंथ, पर मंथ 2000। अगर एक महीने का सैलरी होता है तो 12 महीने का सैलरी कितना होगा 24000। तो टू सैलरी किसका सैलरी है? आसिफ का। आसिफ टू सैलरी टू आसिफ कितना बोला 24000। ठीक है, डन, सैलरी भी हो गया। अच्छा अब लास्ट में बोल रहा है कमीशन देना है 5% रवि को ऑन करेक्ट नेट प्रॉफिट। बस करेक्ट नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना दिख रहा है तुम लोग को? ये दिख रहा है, ये इसका कितना परसेंट बोला है? 5% बोला है। निकालो तो कितना होता है? 2 कमीशन टू रवि 18200 हो गया। 2 कमीशन टू रवि 18200। और कुछ बाकी नहीं दिख रहा मेरे को तो, है ना। चलो क्रेडिट का टोटल बताओ कितना आ रहा है? 3666000 है तो क्रेडिट का टोटल आया। इसमें से डेबिट का टोटल को माइनस करो, ये तीनों माइनस करो। क्रेडिट का टोटल में से डेबिट को माइनस कर दो। 2,24,400 क्या बोल के चली गई? 2,24,400 आसिफ और रवि ना, वो तो बटेगा। पहले जो तुम लोग बोला पहले वो लिख देते टोटल। हाँ हाँ टोटल बोला 2,24,400 यानी 224,400। यही तो, ये दोनों में बांटो ना, इसको तो बांटना पड़ेगा। इसको 3:3 में बांटने बोला है ना, ये वाला इस रेशियो में 1,34,000। कैसे आया? इंटू 3/5 इंटू 2/5, इसको इंटू 3/5 और इंटू 2/5 कर लेना, क्योंकि रेशियो 3:2 है। रवि का कितना आएगा? 8,9,760 यह आएगा रवि का। टोटल 2,24,400। शेयर ऑफ प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है ना, तो वही लेंगे, इक्वल नहीं लेंगे। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट लास्ट स्टेज होता है। तो सबसे पहले क्या किया सर? सबसे पहले हमने निकाला नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ था, उसमें से हमने दूसरा चीज किया रेंट को माइनस, फिर तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीसरा चीज किया, फिर चौथा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला। इसका वर्किंग नोट बेटा बनाना बहुत जरूरी है। इसका नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका बना लेना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन से रेशियो में चला गया? 3:2 में। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकला? क्रेडिट में से क्या माइनस कर दिया, जो बचा वो पार्टनर्स का हो गया। वहीं पे दिखा, डन। वर्किंग ड्रॉइंग्स का ये रहा, 5000 इंटू 12 इंटू 4% इंटू 6.5/12 1300 आ रहा है, राइट। ये तो ठीक है, वर्किंग नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ शंकर एंड मनु आर पार्टनर्स। पानी पानी पास कर दो, भरना होगा। शंकर एंड मनु आर पार्टनर्स, सुनो ध्यान से।
उनका कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कितना कितना है? देखो पहले वाले का कितना और बाद वाले का कितना बेटा, 4 लाख। शंकर और मनु का कैपिटल अकाउंट में 2 लाख और 4 लाख है। शंकर और मनु का कैपिटल अकाउंट में 2 लाख और 4 लाख है, ठीक है? अब दिख रहा है क्या? चलो, ऑन दिस डेट देयर करेंट अकाउंट बैलेंसेस वर 50,000 एंड 1 लाख। उनका करेंट अकाउंट, एक आज तुम्हारी जिंदगी में एक नया टर्म आया, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। अब ये क्या होता है थोड़ा समझाऊंगा, बट करेंट अकाउंट इज नथिंग लाइक अ कैपिटल अकाउंट। उसको मन में एक बार और समझ लो कि उनका करेंट अकाउंट में जो बैलेंस है वो भी उन्हीं का बैलेंस है। कितना रुपया? 50,000 और 1 लाख। जब तक क्वेश्चन ना बोले कि करेंट अकाउंट के बैलेंस पे भी इंटरेस्ट देना है, नहीं देंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है तो ठीक है, उसी पे देना है। अगर क्वेश्चन बोलेगा इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट तो देना है, वरना नहीं देना है, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2015 शंकर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 2 लैक्स। शंकर ने एक्स्ट्रा कैपिटल दिया, कितना? 2 लाख 1 जनवरी को दिया। वाइल मनु गेव अ लोन ऑफ 1,50,000 टू द फर्म। मनु ने उसी दिन फर्म को लोन दिया, कितने का? उसी दिन, मतलब किस दिन? 1 जनवरी 2015 को मनु ने लोन दिया। शंकर कैपिटल लगा रहा है, मनु क्या प्रोवाइड कर रहा है? लोन। अच्छा, द क्लॉजेज ऑफ द पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलोज। क्या है? पहला बोला बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, दे देंगे। कैपिटल का बैलेंस पे देगा ना, करेंट अकाउंट का बैलेंस पे, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज्ड एट द रेट 12% पर एनम। अभी कोई नहीं करेगा। अरे बड़ी क्या भैया, सुन लो ना, क्या मैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम बोला है, ठीक है, पर एनम। प्रॉफिट का रेशियो क्या दिख रहा है तुमको? ठीक है, 10% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो सही वाला नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% कहाँ डालेंगे? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सही वाला नेट प्रॉफिट से वो लोग क्या बोलना चाहता है? नेट प्रॉफिट में से कुछ माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। किसका लोन? मनु का। तो मनु का इंटरेस्ट ऑन माइनस करेंगे, जो बचेगा वो करेक्ट नेट प्रॉफिट हुआ, उसका 10% कहां ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है सर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2014-15 बोथ पार्टनर्स विड्रू 6,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। दोनों पार्टनर का एक ही हिसाब है, जैसे क्वार्टर चालू होता है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कितना विड्रॉ कर लेता है? 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, कितना बार? क्योंकि क्वार्टर है ना, तो साल में कितना बार विड्रॉ करेगा, ठीक है सर। द नेट प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर वाज 5 लाख। नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले कितना था? तभी तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा ना इंटरेस्ट ऑन लोन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द टाइमिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। खाली क्या बनाएंगे अभी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिसको आगे करना है वो कर सकता है, जिसको अगर आगे करना है इसका फोटो ले लो, जो मेरे साथ करेगा मेरे साथ करो। कौन कौन आगे कर रहा था? तो वाह वाह, आगे करेगा, कर पाएगा, ठीक है। और मैं कर रहा हूं तो जो मेरे साथ करना चाहता है मेरे साथ कर लो, ठीक है। क्या नहीं आया? कैपिटल 6 लाख और 4 लाख है, और 2 लाख और 4 लाख है, ठीक है। कैपिटल 2 लाख और 4 लाख है, डन। जो मेरे साथ कर रहा हो मेरे साथ कर लो। 1.5 लाख रुपया मेरे को बोलो ना, सब याद है। 1.5 लाख क्वेश्चन ऐसे पढ़ो कि याद हो जाए। चलो मेरे साथ चलो, हाथ उठाओ एक बार, ठीक है।
साधना इसका मतलब दोनों वीडियो नहीं देखे हो पक्का? क्या मिलेगा उसमें मेरे को? फोर्टी ईयर एंडेड क्या है भाई साहब? 12 12 फर्स्ट। अरे भैया कैसे पता चलता है, देख लो क्या लाइन लिखा हुआ है। फर्स्ट अप्रैल के दिन कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, तो अप्रैल टू मार्च होगा ना, तब फिर फर्स्ट अप्रैल है तो कैपिटल का बैलेंस फर्स्ट अप्रैल को है ना, वो भले कैपिटल जनवरी में एक्स्ट्रा लगाया है। चलो सबसे पहले बेटा भाई नेट प्रॉफिट, सो सॉरी भाई नेट प्रॉफिट कितना लिखोगे भाई? नेट प्रॉफिट सर हम लोग लिखेंगे, कहाँ रे भाई नेट प्रॉफिट, ये रहा कितना है 5 लाख। इनर कॉलम में लिखना भाई नेट प्रॉफिट 5 लाख, डन। इसमें से बेटा माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन मनु ने दिया कब है बेटा? जो कर रहे हैं ना आपस में, सुनो जो कर रहे प्लीज आपस में डिस्कस मत करो, ऐसे इधर कृति रश्मि से बात कर रही है, जानवी महक से बात कर रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। जिसको करना अपने आप करो और नहीं तो फॉलो कर लो, समझता नहीं है बात को, आ जाता आधी शाम को। चलो लोन कब दिया मनु ने? 1,50,000 ऑन 1 जनवरी को दिया। आई हैव अ क्वेश्चन, कितना महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 3 महीने का, वेरी गुड, क्योंकि जनवरी फरवरी और मार्च, तो अगर 1.5 लाख लोन था उस पे 3 महीना का लगना चाहिए। मैं आपका नाम भूल गया, लोन पे अगर इंटरेस्ट नहीं बोला है परसेंटेज देना है, कितना परसेंट देना है? 6%। आप देखियो लोन पे अगर इंटरेस्ट नहीं भी बोला तो भी देना पड़ेगा, कितना परसेंट? 6%। कितना है पानी है ना, एक बार जुगाड़ लो उसके बाद देखते हैं। पानी तो बहुत ऊपर वाले में खत्म हो गया। कितना आ रहा है? 2250। चेक कर लो एक बार इंटरेस्ट ऑन लोन। डेढ़ लाख है उस पे 3 महीना 6% है ना, फिर डिस्टर्ब हो रहा है, दो थप्पड़ खींच के मार दूंगा। 1.5 लाख पे 6% 3 महीना कितना आया? किसी को 3 महीना में डाउट है? जनवरी फरवरी मार्च, और 6% क्योंकि रेट बोला हुआ नहीं है, तो माइनस कर लो 5 लाख में 2250। क्या बच रहा है? 4,977,50। चलो बढ़िया बात है, ये आ गया मेरा नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके, ठीक है डन। चलो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाए 10% पर एनम, कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 2 लाख पे 10% और 4 लाख पे 10%, यही तो कैपिटल तो ये रहा 2 लाख और 4 लाख। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शंकर का और मनु का, शंकर का कितना आ रहा है? 10%, 2 लाख का 10% और 4 लाख का 10%, 25,000 क्यों? ओ हाँ ठीक है, ये तो अभी का हो गया एक बार का ओपनिंग वाला, लेकिन एक जन का बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा यार? शंकर का और आएगा, शंकर का ओपनिंग वाला तो आएगा ही आएगा, शंकर का बेटा ये वाला तो आएगा ही आएगा। कितना? 2 लाख का 10%, कितना? 20,000। मगर शंकर का देखो 2 लाख रुपया और लगाया, उस पे भी 10% डिजर्व करता तो है, मगर बेटा केवल कितना महीना के लिए? 3 महीना के लिए ना। कितना आ रहा है? 5,000, राइट। तो शंकर का बेटा टोटल कितना आ रहा है?
शंकर का टोटल 500 आ रहा है, 5,000 आएगा। 2 लाख का 10% पे 3 महीना, तो शंकर का टोटल कितना आया? 25,000। मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, 25 यहीं पे कर लो। चलो एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस समझना है कि हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लीज देख लो, शंकर का, शंकर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे सबसे पहले 2 लाख पे तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा उसको 20,000, मगर जो बाद का 2 लाख लगाया उस पे 10% बेटा 3 महीना के लिए मिलेगा। टोटल कितना आया? और यही 25,000 मैंने यहां लिखा, ठीक है। मनु का तो कोई चेंज है नहीं, 4 लाख का 10% 40,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम। पहले बताओ ड्रॉइंग्स का लाइन क्या बोला है? बोथ पार्टनर्स विड्रू 6,000 एट द बिगिनिंग ऑफ इच क्वार्टर, तो इसके तो अलग फॉर्मूला है, फिर इसका तो अलग फॉर्मूला है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का वर्किंग नोट देखो, 6,000 इंटू क्या करूं, 4 करूं, परसेंटेज क्या बोला है ड्रॉइंग्स के लिए? लेकिन बेटा बिगनिंग है ना, बाई 1200 कौन बोल कितना आया? आयुष तुम क्यों नहीं कर रहा है, दिखाओ कैलकुलेटर। 1800 का है, 1800 बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों का है ना ये, तो शंकर और मनु 1800, 1800 टोटल कितना आ रहा है? आ गया, क्या हुआ? 6,000 इंटू 4 इंटू 12% इंटू 7.5 बाई 12 करके देखो, 1800 ही आएगा सबका। 1800 है तो आ रहा है, भी आ रहा है, डन हो गया। अब आगे देखो क्या बोला है, प्रॉफिट तो बाद में बटेगा, पहले बोला 10% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में डालो। करेक्ट नेट प्रॉफिट क्या है? ये वाला, ये इसका 10% को बेटा टू जनरल रिजर्व करना पड़ेगा। इसका करेक्ट नेट प्रॉफिट को टू जनरल रिजर्व करना पड़ेगा। टू जनरल रिजर्व इसका 10% कितना हो रहा है बताओ मेरे को? 2 जनरल रिजर्व कितना बोला? 4,975। समझा मेरा बात? वो जनरल रिजर्व में चला जाएगा, वो जनरल रिजर्व में चला जाएगा। और कुछ बचा? बस अब बताओ क्रेडिट माइनस डेबिट करके कितना आ रहा है? टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, पहले शंकर और मनु। हाँ ठीक से करो, क्रेडिट का टोटल पहले कर लो कितना? 10,000। हाँ बोलो। ठीक है मैसेज करके छोड़ दो मेरे को, मैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है। एनी वन, क्रेडिट का टोटल कितना आया? 501,335। ये और शेयर ऑफ प्रॉफिट ठीक है, इसको बांट लो 3/5 और 2/5 में। ये 3/5, 2/5 यशवी हुआ, रचिता, वर्षा अच्छा सुनो ना, आज अपना इको क्लास होता है ना 8 बजे,
आज मेरे को ना रहूंगा ना यहाँ पे, होली का फंक्शन में जाना है मेरे को, तो बोल देना आज नहीं होगा क्लास, जो जैसे नेक्स्ट दिन है वैसे ही रहेगा, आज मैं निकल जाऊंगा तुम लोग क्लास करा के। फ्राइडे अगर बीच में तुम लोग फ्री रहा मैं करा दूंगा, अगर सुनो कल रात को फ्री रहा या वेडनेसडे रात को तो मैं करा दूंगा। ऐश्वी आज मैं कोई फंक्शन में जा रहा हूँ होली का, नाच गाना है थोड़ा, भांग वांग का फंक्शन है, ठीक है समझा, आप मैसेज कर देना वो लोग को, आगे बढ़ूं? अरे बहुत टाइम बर्बाद करता है तो। चलो आई विल गिव 6 मिनट्स टू एवरीवन टू शो योर टैलेंट, मैं राउंड दे रहा हूं तब तक सबके पास आके। अरे मैं जूम मार दे रहा हूं, क्यों फोटो ले रहा है, लो लो देखो इतना चल जाएगा क्या, छोटा है ना यू, छोटा है ना, और बड़ा करूं, लो देखो इससे बड़ा हो नहीं रहा पीयूष, छोड़ो इतना ही चलो, इसी से काम चलो पीयूष, चलो नहीं हो रहा कृति, चलो मैं पढ़ देता हूं एक बार। डी ई और एफ पार्टनर है, रेशियो 5:7:8 है, ठीक है, रेशियो 5:7:8 है। कैपिटल देखो कितना बोला है, डी का बेटा कैपिटल 5 लाख है, कितना है 5 लाख। ई का कैपिटल कितना है बेटा, एक मिनट एडजस्ट कर दे, ई का कैपिटल बेटा 7 लाख और एफ का कैपिटल 8 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, सैलरी पर मंथ है एफ का 10,000, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट कितना परसेंट है 12%। डी विड्रू किया 30 अप्रैल को एक ही बार में 40,000, ई विड्रू किया 30 जून को एक ही बार में 50,000, और एफ विड्रॉ किया 31 मार्च को 30,000, एक ही बार में विड्रॉ कर लिया, मंथ का कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो देख लेना कितना महीना पे किया है वो, और प्रॉफिट दे दिया 3.5 लाख, इससे बेहुदा और इजी सम हो नहीं सकता। चलो करो, देखो कौन कर रहा है, स्टार्ट करो स्टार्ट करो। सबसे पहले बाई नेट प्रॉफिट, नो इनर कॉलम, सीधा आउटर कॉलम। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5 लाख का 10% 50,000 होता है, उसके बाद 70,000 होता है, और उसके बाद 80,000 होता है, टोटल 2 लाख चला जाएगा, राइट, टोटल 2 लाख चला जाएगा। सैलरी कितना जाएगा बेटा, 1,20,000 टू एफ, ओके। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पहला बात मिस्टर डी जो विड्रॉ किया 40,000 30 अप्रैल को किया, तो 11 महीना का देगा, 30 अप्रैल तो अप्रैल छोड़ दो ना, मई से मार्च तक चले जाओ, 11 महीना होता है, 40,000 इंटू 12% इंटू 11/12, 4,400। मिस्टर ई ने 30 जून को किया है ना, तो अप्रैल मई जून छोड़ दो, 9 महीने का लगेगा, 4,500। और मिस्टर एफ का लगेगा ही नहीं क्योंकि वो लास्ट डे विड्रॉ कर रहा है, तो इसका टोटल आ जाएगा बेटा 80 हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर लो तो आ रहा है 358, और इसमें से ये दोनों उड़ा दो, 3,20,000 हट जाएगा ना, तो बचेगा 38,900 जो कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा, 38,000 ये दोनों में बढ़ जाएगा, किसमें किसमें, डी तीनों में बढ़ जाएगा, डी ई और एफ में। रेशियो क्या है, तो पहले वाले को बेटा 5:20 मिलेगा, इसका 38,900 का 5:20, क्योंकि रेशियो 5:7:8 है, तो 5:20, 7:20, 8:20। चलो डी का कितना आ रहा है, 2,5। ई का कितना है, 1,3,615। ये चलो वन फाइव 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 जीरो 1,5, फाइव जीरो चलो ये तीनों है, 9,725, 1,3,615, 1,5,560। मेन ड्राइंग्स देखने का था और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स को लेके था कि अगर एक पर्टिकुलर डेट बोल दिया तो सीधा फिर डेट देखना है,
हो गया। आयुष क्या सोच रहे हो? काव्या हुआ, पीयूष, सिमरन हुआ क्या? ये करो फिर एक नया चीज बताऊंगा। मेरे पास 8 बजे तक का टाइम है, समझ रहे? 8 बजे निकलना है, तो आज बहुत ज्यादा पढ़ पाएंगे अपने आज, समझा? ऐसा मौका छोड़ो मत, ठीक है? पप्पू मुन्ना, ठीक है? पप्पू पास हो गया, मुन्ना डॉक्टर बन गया। चलो, पप्पू एंड मुन्ना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, रेशियो क्या बेटा? ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या लिखा है? पप्पू वाज टू बी पेड सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ। पप्पू को भैया सैलरी मिलेगा 2500 एक महीने का, और मुन्ना को कमीशन मिलेगा 10,000 पूरे साल का। मुन्ना को कमीशन मिलेगा पूरे साल का कितना रुपया? 10,000, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम, इंटरेस्ट देना है 5% पर एनम, और ड्राइंग्स पे लिया जाएगा 6% पर एनम। ड्राइंग्स पे लिया जाएगा, कुछ नहीं है इस सम्स में, एकदम पानी सम्स है। बहुत जन तो तब तक कर चुका होगा जब तक मैं सम्स ही पढ़ रहा हूँ रे, जब तक मैं सम्स पढ़ रहा हूँ बहुत जन खत्म भी कर दिया होगा। ऐसा बेहुदा काम बहुत जन कर सकता है। इंटरेस्ट ऑन पप्पूज ड्रॉइंग 1250, डायरेक्ट इंटरेस्ट का आंसर ही दे दिया। 1250 पप्पू का, मुन्ना का 425, कैपिटल दे दिया 2 लाख, 1.5 लाख दे दिया। फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 9575, कुछ नहीं है बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी निकालने का जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी निकालने का जरूरत नहीं है, सब तो निकाल के दे दिया है ना, सब निकाल के दे दिया। दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो तब जा रचिता को? बोर्ड पे बुला लेंगे, कोई बोर्ड पे आएगा यहाँ पे पेन टाइम में करने के लिए? है किसी में खमता? तुम लोग करेगा ना, मेरा लैपटॉप का हालत खराब कर देगा, पेन चला ही नहीं पाएगा। मेरे होने से पहले सबका हो जाना चाहिए, हम बोल दे रहा, बिना कैलकुलेटर के कर रहा हूं मैं। ओ, हम लोग एक ही टाइम पे होगा बस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का टोटल कितना है? टू जीरो।
139 3 4 कर लो, किसको करना है? और ठीक है कर लो, हो गया। किस किस का बाकी, हाथ उठाओ तो। काव्या हुआ, पीयूष, सिमरन, क्या आया? क्या टोटल आया था शेयर ऑफ प्रॉफिट बांटने से पहले? 377। ₹2500 पर मंथ है, 2500 × 12 30,000 हुआ ना सैलरी। कितना लिखा उसने सैलरी? चलो हुआ वर्षा, ₹20850 139 00 total 34750। अब सुनो एक चीज, हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में देखो क्या क्या सीखे समझो। सबसे कॉम्प्लिकेटेड कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहता है। हम लोग क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ऐसा कुछ सीखे हैं कि मान लो रवि जो है वो 6000 पर मंथ विड्रॉ करता है, पहले बोलना सीखे हैं कि नहीं, 6000 पर मंथ विड्रॉ करता है और बिगिनिंग में करता है और इंटरेस्ट का रेट दिया बेटा 4%। सीखे हैं ऐसा, क्या फॉर्मूला होता है? यही तो सीखे है? अगर रवि ऐसा एंड में करता है तो भी सीखे है? हाँ, रवि अगर ड्यूरिंग या मिडल में करता है तो, मिडल मतलब ड्यूरिंग, हाँ तो क्या हो जाएगा, सीख लिए। लेकिन अब अगर मैं बोल रहा हूँ रवि जो है वो 6000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, क्या बोला? रवि 6000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है और वो बिगिनिंग में कर रहा है, कब कर रहा है? बट सुनो, 6000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, बात समझा? रवि का एक आदत था, वो हर महीना का पहला तारीख को पैसा उठाता था 6000। 1 अप्रैल को उठाया होगा, 1 मई को उठाया होगा, 1 जून को उठाया होगा, 1 जुलाई को उठाया होगा, 1 अगस्त को उठाया होगा और लास्ट 1 सितंबर को उठाया होगा। यस और नो? अब क्वेश्चन पे हम लोग को इंटरेस्ट तो निकालने बोलेगा ही, इंटरेस्ट का रेट मान लेते कितना परसेंट है। तो सुनो ध्यान से, पहला चीज तुमको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, 6000 तो लिखना ही लिखना है, इंटू 12 तो करेगा नहीं, इंटू 6 करेगा, इंटू 4% तो करना ही पड़ेगा 4/100। बट आगे अगर तुम वो लगा दे रहे ना 6.5/12, वो बेवकूफी हो जाएगा।
वो बेवकूफी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6.5/12 तो तब लगता है बेटा जब पूरे साल भर होता है ऐसा, जब पूरे, अब मैं जो बोल रहा हूं तो पूरा साल भर हुआ नहीं, वो हुआ है 1 अप्रैल से 1 सितंबर तक, यस और नो? 1 अप्रैल से एक, क्योंकि 30 सितंबर जो है उसका 6 महीना वहां पे खत्म हो जाता है। एक थोड़ा ध्यान से सुनो प्लीज, ये अप्रैल का महीना, ये मई का महीना, ये जून का महीना, ये जुलाई, अगस्त और सितंबर को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं सितंबर, ठीक है? यहाँ पे 1 अप्रैल को उठाया होगा पैसा, 1 मई को उठाया होगा, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, और एक, सुनो फॉर्मूला बनाना सीख लो, क्या बोला मैंने? एग्जाम में अगर कुछ भी आएगा कर पाएगा तुम लोग, तरीका बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला अपना बन जाएगा, तब तुमको रटना नहीं पड़ेगा। क्या बोला मैंने? तब तुमको रटना नहीं पड़ेगा, सुनो ध्यान से, और इससे उस फॉर्मूला को भी रेट कर लूंगा जो बिगनिंग पूरा 12 महीना तक चलता है, तो सब फॉर्मूला अपना बन जाएगा। सुनो शो सी कैसे कर रहा हूं, सुनो, इतना तो तुमको पता है सर, बाई 12 नीचे में फिक्स रहता है, बाई 12 तो फिक्स रहता है, पूरे अगर 12 महीना तक होता, पूरा 12 महीने तक करता, क्या लगाता? 6.5 लगाता पूरा 12 महीने तक करता, तो अभी तो 12 महीने तक नहीं किया, तो सर सुनो क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेट क्या है ड्रॉइंग्स का? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से शुरुआत का 6 महीना खत्म कहां पे हो रहा है बेटा? 30 सितंबर, शुरुआत का 6 महीना खत्म कहां हो रहा है? तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर पूरा कितना महीना होता है? पूरा 6 महीना होता है, 1 अप्रैल से पूरा 30 सितंबर, अप्रैल भी पूरा, मई भी पूरा, जून भी पूरा, जुलाई भी पूरा, अगस्त भी पूरा और सितंबर भी पूरा, पूरा कितना महीना होता है? 6 लिखोगे प्लस इसका लास्ट डेट क्या है ड्राइंग्स का? लास्ट डेट ऑफ ड्राइंग्स क्या है? 1 सितंबर से 30 सितंबर कितना महीना होता है? एक महीना, 6 + 1 डिवाइड बाई 2 हमेशा करोगे, कितना आया? 3.5 आ रहा है, चेक कर लो, 6 + 7 7, 6 + 1 7, बाई 2 कितना होता है? 3.5 बाई, मैंने क्या बोला, बाई 12 तो नीचे फिक्स रहेगा, सुन लो प्लीज, ये तरीका है कि ऊपर वाला नंबर कैसे निकाला जाए, बाई 12 तो लिखना ही है तुमको, मैंने अभी सिखाया ऊपर वाला कैसे निकालना है तुमको, वापस समझ लो क्या करना है। 1 अप्रैल, अभी जब 2-3 करूंगा ना अपने आप क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, पहले डेट ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चला जाओ जहां पे 6 महीना खत्म हो रहा है, 6 महीना हुआ, डेट ऑफ लास्ट ड्रॉइंग्स क्या है इसका? 1 सितंबर, 1 सितंबर से 30, 9, 30 सितंबर को तो खत्म हो जाएगा 6 महीना, तो 1 सितंबर से 30 सितंबर कितना महीना होता है? 6 + 1 कर लो, उसका एवरेज ले लो, एवरेज मतलब भाई 2, क्या आया बेटा? 3.5, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3.5/2। नाउ अगेन सी, सपोज सपोज प्लीज सुनो, रवि जो है वो 6,000 विड्रॉ कर रहा है, बिगिनिंग में नहीं कर रहा है, बिगिनिंग में नहीं कर रहा है, कब कर रहा है? रेट कितना परसेंट है बेटा? फॉर 6 मंथ्स, उसका ये आदत कब तक है बेटा? 6 महीना तक। फॉर्मूला का थोड़ा पार्ट तो बना है, क्या लिखूं? डन, यहां तक क्लियर है? ऊपर क्या आएगा वही तो बनाना है, ऊपर क्या आएगा वही तो बनाना है, टाइमलाइन बनाओ, टाइमलाइन बनाओ, यहीं पे बनाते हैं टाइमलाइन, ठीक है? चलो देखो, 1 अप्रैल, सॉरी 30 अप्रैल है ना, 30 मई या 31 मई, उसके बाद 30 जून बोलो ना, उसके बाद अगस्त कहाँ जाएगा, और 31 अगस्त, और 30 अप्रैल को पहला ड्राइंग हो रहा है, और उसका 6 महीना कब खत्म होगा बेटा? 30 सितंबर को, 30 अप्रैल से 30 सितंबर तक चले जाओ, 30 अप्रैल से 30 सितंबर, 5 महीना, 30 अप्रैल को छोड़ दो ना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना महीना हुआ पक्का? प्लस अक्टूबर नहीं है, 30 सितंबर, 30 सितंबर लास्ट ड्राइंग्स किया है, और 30 सितंबर से 30 सितंबर चले जाओ, 0, 5 + बाई कितना आया? तो अगर एंड में कर रहा है वो बेटा, अगर एंड में कर रहा है वो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर वो एंड में कर रहा है तो 2.5,
अच्छा अपने पास बुद्धि तो है बेटा, बिगनिंग का 3.5 आया, एंड का कितना आया? अगर हर महीना का मिडल करेगा 3 आएगा ना, चेक करते हैं, चेक करते। अच्छा एक काम करो, मेरे स्क्रीन कराने से पहले खुद से कॉपी में चेक करो कि 3/12 आ रहा है क्या, हर महीने का बीच में कर रहा है, मतलब 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त और 15 सितंबर, इसको चेक करो क्या आंसर 3/12 आ रहा है, इसको चेक करो आंसर कि आंसर सर क्या 3/12 आ रहा है। 6 महीना तक 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अप्रैल से 30 सितंबर, 15 अप्रैल से 30 सितंबर कितना आएगा? 15 अप्रैल है ना, आधा महीना तो चला गया, 6 महीना में आधा महीना चला गया, 5.5 महीना बच रहा है, 5.5 महीना बच रहा है, आ रहा है 5.5 प्लस 15 सितंबर है, सितंबर का तो आधा महीना ही बचा हुआ है ना, आधा महीना क्या हो जाएगा बेटा 0.5, सितंबर का तो आधा दिन, आधा महीना बचा हुआ है, 0.5 डिवाइड बाई 6/2 आया, क्या आंसर आया 3/12 आया। बोले बनाना सीख जाएगा तुम लोग, तुम लोग जो है अब क्या बन जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, लोग फॉर्मूला बनाना सीख जाएगा। सुनो ना, मेरे बोलने से पहले हम लोग जो हर महीना का बिगनिंग 12 मंथ का करते थे, एक बार उसको इसी वे में करो तो देखो तो 6.5/12 आता है क्या, खुद से करो यार, खुद से करो, जिसका हो जाएगा बताना, हाँ सर मेरे से हो पाया, बिगनिंग 12 महीना तक, समझ गया ना, बिगनिंग 12 महीना 6.5/12 आ रहा है क्या, चेक करो इसका। ये समझा तुम लोग 3/12 कैसे आया? महक, सिमरन, पीयूष, 3/12 आएगा ना, सब आएगा, एंड का भी करो ना, सब करते रहो आज बैठ के, रात तो रात तक करो यार। इसके देख क्वेश्चन पूछूंगा तो समझ में आया किसको, क्या समझ में आया उठाऊंगा आज मैं। हो पा रहा है क्या, देखो बन पा रहा है क्या? रचिता, 12 महीना वाला चेक किया, आया आंसर 6.5/12 आया। दृष्टि, सिमरन आ गया 6.5/12। कृति, रश्मि, आयुष, अगर वो 12 महीना का मान लो सपोज एंड वाला चेक करा देता हूँ, एंड वाला 12 महीना तक एंड में कर रहा है, आंसर 5.5/12 आता है, तो इसका मतलब उसका, मैं तो ज्यादा मेहनत नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ पहला ड्राइंग चेक कर लेता हूँ उसका, पहला ड्राइंग 30 अप्रैल को होगा, मेरे से उतना मेहनत नहीं होता, 30 अप्रैल को होगा, और लास्ट वाला ड्राइंग उसका एंड में तो 31 मार्च को होगा, यही तो होगा, 30 अप्रैल से 31 मार्च 11 महीना होता है, प्लस 31 मार्च से 31 मार्च कुछ नहीं देगा, 0/2 क्या आ रहा है, 5.5 ही तो आ रहा है ना, क्लियर। चलो अब देखें कौन क्या सीखा है, सुनो, दृष्टि विड्रू, देखें कौन क्या सीखा है, दृष्टि विड्रू 6900 फॉर 9 months, दृष्टि विड्रू 6900 फॉर 9 months, 9 महीना के लिए दृष्टि 6900 करके विड्रू कर दी, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ रेट है दृष्टि के लिए 6%। मेरे को दृष्टि का इंटरेस्ट जानना है ड्रॉइंग्स का, पॉइंट हटा के बोल दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, ये अलग अलग आंसर लिख रहा है, 1552 या 3 वट एवर, मेरे को पॉइंट से झगड़ा नहीं करना है, मेरे को जस्ट मोटा मोटिया 10
चेक जी वही चेक करना है ना, ये हो गया जानवी नाहटा का, ठीक है। और बाकी शिवम दृष्टि कृति लोग का एक ही आंसर है। पीयूष तुम्हारा क्या आया? 1035 ये वाला, फिर से करो एक बार। तब किसी का 1552 है, किसी का 1035 है। श्योर आया है 1552? कैसे किया आयुष? सही है क्या? अरे आयुष का आया इंटू 5/12 आ रहा है। अरे 9 महीना हर महीना का बिगनिंग में किया ना, तो इसका मतलब उसका जो पहला ड्राइंग्स का डेट है वहां से 9 महीना बाकी है, और लास्ट वाला ड्राइंग में भी 1 महीना रहेगा, तो 9 + 1/2 कितना हो रहा है? 5 आ रहा है, तो फॉर्मूला में 5/12 लास्ट में आ जाएगा। समझा? अब एग्जाम में कुछ भी देगा तुम लोग कर पाएगा, कोई भी डेट पे दे देगा तो कर पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? ना ना आओ चलो। अब सुनो ध्यान से, टाइम कितना हुआ? 7:55 हो गया क्या? 30 आओ चलो 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 आओ आओ, टाइम अपने पास बहुत टाइम है। देखो 25 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट, कोई बात नहीं, तुम तो देखते हमको पता यार। आओ हेडिंग दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी तक हम लोग सीखे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, अब सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। इसका फॉर्मेट रेडी कर लो। पर्टिकुलर्स अपने एक सम की तरह शंकर और मनु वाला करके, तो मैं उसी सम से बता रहा हूं कि कैसे बनाते हैं पर्टिकुलर शंकर और मनु। डन। ज्यादा बड़ा नहीं होता कैपिटल अकाउंट, इट विल बी ऑफ 8-9 लाइंस, तो पूरा साल भर का बन जाएगा वो लोग। डन। अगर ये समझ में नहीं आया ना तो बहुत तकलीफ होगा, ठीक है? तो प्लीज पे अटेंशन, काइंडली पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। हम लोग शंकर और मनु वाला जो सम्स किए थे उसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाए थे बेटा, क्या उसमें कैपिटल का फिगर डालते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फिगर डालते थे ना? तो कोई अब तक नहीं पूछा सर कि वो कैपिटल का फिगर का क्या करेंगे सर। हम लोग ड्रॉइंग्स का फिगर डालते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फिगर डालते थे, कोई नहीं पूछा सर वो इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स का क्या करेंगे। तो अब बात आ गया कैपिटल अकाउंट बनाने का। कैपिटल अकाउंट में सर क्या क्या बनाते हैं सुन लो। पहले शंकर और मनु का सम्स हो या कोई भी सम्स हो, पहले तो आपको लिखना होगा बाई बैलेंस बीडी। अभी कोई मत लिखो, पहले समझ लो प्लीज प्लीज। बाई बैलेंस बीडी, उसमें बेटा शंकर का जो कैपिटल है वो डालेंगे, मनु का जो कैपिटल है वो डालेंगे। जहां तक मेरे को याद है 2 लाख और 1.5 लाख था क्या? तो शंकर का कैपिटल में 2 लाख लिखेंगे, मनु का कैपिटल में 1.5 लाख लिखेंगे, 4 लाख था। तो शंकर में 2 लाख, मनु में 4 लाख, ठीक है? उसके बाद बेटा अगर कोई और कैपिटल लगाएगा तो वो और वापस से बाई कैश हो जाएगा। जर्नल एंट्री क्या होता है? कैपिटल लाने का, कैश टू कैपिटल, तो कैपिटल के लेजर में बाई कैश आ गया। इसको कैपिटल का अकाउंट समझो, कैपिटल का लेजर में क्या हो गया? बट जो लाएगा उसके नाम में डाल देना, कौन लाया था? तो शंकर में डाल देंगे बाई कैश करके।
ये हो गया ओपनिंग बैलेंस और ये हो गया फर्दर कैपिटल, क्या हो गया? अब सुनना प्लीज, शंकर और मनु को उनका कैपिटल तो है ही उनका फर्म में, मगर उसके साथ साथ बेटा उनको कुछ इंटरेस्ट मिलना था, कुछ सैलरी मिलना था, तो जब उनको कुछ मिलना है तो उससे उनका कैपिटल बढ़ जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जो चीज उनको मिलेगा वो कैपिटल अकाउंट में बेटा क्रेडिट में डालेंगे, और उनसे जो जो चीज लिया जाएगा वो कहाँ डाल देंगे, इन अदर वर्ड जब जब पार्टनर को कुछ मिलेगा उनका कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाता है, और जब जब पार्टनर से कुछ लिया जाता है उनको क्या कर दिया जाता है। ये जो लाइन मैंने बोला ना, ये लाइन पूरा पार्टनरशिप में काम आएगा तुम्हारा, आगे एडमिशन चैप्टर आएगा, रिटायरमेंट बहुत चैप्टर आएंगे। ये जो लाइन बोल रहा हूँ सुन लो, जब जब पार्टनर को कुछ प्रोवाइड करना है, जब जब पार्टनर को बढ़ाना है उनका कैपिटल को क्या करोगे, क्रेडिट, और जब जब उनसे कुछ लेना उनको क्या कर दोगे। याद रखना प्लीज, पार्टनर को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं ना, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जो दे देंगे। पार्टनर को सैलरी देते हैं तो बाय सैलरी जिसको सैलरी देंगे वहां पे लिख देंगे। कुछ कमीशन भी दे सकते हैं, क्वेश्चन में आता है ना, तो जो कमीशन देंगे वो भी दे देंगे। बेटा कभी कभी बोलते हैं ना 10% इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल इज अ पार्टनर में बढ़ता है, वो तो अलग से है ना, जर्नलिज्म तो फर्म का है, पार्टनर का तो नहीं है, तो बेटा जर्नलिज्म नहीं आएगा। जर्नलिज्म, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शेयर ऑफ प्रॉफिट तो देता है ना पार्टनर को, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो ए बी शंकर मनु में बढ़ता है ना, तो भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो यहाँ पे इसका मतलब सर आप ऐसा बोलिए ना, जो चीज डेबिट में लिखते हैं उसको कहाँ डाल दीजिए, यही तो बोलने का मतलब हुआ। ये बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी का भी हो, आसिफ रवि किसी का भी आएगा तो क्रेडिट में। अब जैसे सैलरी आसिफ का या शंकर का हो आएगा तो क्रेडिट में ही। अब जैसे मान लो कमीशन रवि का है आएगा तो कहाँ पे, तो पीएल अप्रो में जो डेबिट में आता है वो क्रेडिट में आएगा, मगर पीएल अप्रो में जनरल रिजर्व दिया वो तो नहीं आएगा, क्योंकि वो पार्टनर का नहीं है बेटा, वो किसका है। और अभी तक समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें ऐसा क्या चीज था जो पीएल अप्रो में नहीं आया? नहीं नहीं, अभी इस लाइन में देख के ऐसा क्या थी जो पीएल अप्रो में नहीं आया था? बेटा कैपिटल नहीं आया था और फर्दर कैपिटल नहीं आया था, वो इसमें आएगा। ये दोनों, ये बाकी तो आया था ना, ये एक्स्ट्रा चीज है जो पीएल अप्रो में नजर नहीं है मगर कैपिटल अकाउंट में नजर आया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेटा क्रेडिट में क्या क्या आता है, ये सब आता है ना, ये पार्ट कभी भी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट है। और भले ही आप रेंट पार्टनर को दे रहे हो मत डालना, वो अप्रोप्रिएशन से माइनस हो गया, बट ये वाला पार्ट डालना मत भूलना। क्या क्या है? ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो अब सुनो, यहाँ पर बेटा खाली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं आएगा, पहले तो क्या आएगा, ड्रॉइंग्स आएगा, क्या आएगा, और उसके बाद आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसके बाद जब क्रेडिट माइनस डेबिट करोगे ना, तो जो बचता है उसको अपने को पता है क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट दोनों का हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, शंकर और मनु वाला सम्स निकालो तो एक बार, मैं बता रहा हूँ, तो इंटू 12 करके लिखोगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। शंकर वाला सम्स निकालो, अभी शंकर वाला सम्स निकालो, निकाला बना हुआ है तो, उसका कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ है तुम लोग का। पहले कैपिटल कितना कितना था, तो यहाँ पे बेटा 2 लाख लिखो और मनु में 4 लाख लिखो, बैलेंस बीडी करके। शंकर में 2 लाख लिखो पूरा, हाँ, मनु में 4 लाख, 2 के बाद 5 जीरो, 4 के बाद 5 जीरो, मेरे पास जगह कम है। शंकर में 2 लाख, मनु में 4 लाख, हो गया। और फर्दर कैपिटल लगाया था तो कौन, शंकर, कितना, तो वापस से शंकर में कैश करके लिखोगे, कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारा मन, कैश या बैंक वट एवर, ठीक है। लोन नहीं आता है, अरे लोन नहीं आता है, ठीक है, लोन का कोई अमाउंट नहीं आएगा, ना इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। प्लीज, लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है, लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है, ठीक है। लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल अकाउंट में, उसके लिए लोन अकाउंट बनाना पड़ता है। कौन सा अकाउंट? लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 25 और 40 हजार था। और क्या था डेबिट में देखो, सैलरी था किसी का, नहीं था सैलरी तो नहीं आएगा, छोड़ दो। और क्या और क्या, कमीशन भी नहीं था, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो था, कितना था शेयर ऑफ प्रॉफिट, अरे शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलो ना,
23194 5 और उसका 5 6 0। ओए बात हो रहा है लास्ट बेंच। अच्छा ड्रॉइंग्स का लाइन क्या बोला था शंकर का? देखो ड्रॉइंग्स का लाइन पढ़ लो पहले। यहाँ पे ड्रॉइंग्स यहाँ पे बोल रहा है बोथ द पार्टनर्स विड्रू 6000 फॉर एवरी क्वार्टर। तो 6000 एवरी क्वार्टर है ना, तो पूरे साल भर का ड्रॉइंग्स लिखोगे यहाँ पे 24000। अगर पर मंथ होता तो इंटू 12 करके लिखता, पर मंथ नहीं है क्वार्टर है ना, इंटू 4 करके जो साल भर विड्रॉ कर रहा है पहले वो ड्रॉइंग्स में आएगा आपके, पहले वो ड्रॉइंग्स में आएगा, उसके बाद इंटरेस्ट तो निकाला वही आपका 1800 ना कि 1300। तो ड्रॉइंग्स में पूरा जितना विड्रॉ कर रहा है वो अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट तुम वहां से देख के छाप लो। डन। क्वेश्चन ये रहा, क्या लाइन देखना बोलो, ये रहा ड्रॉइंग्स का लाइन 6000 एवरी क्वार्टर, ठीक है ना। देख 5 6 8 3 0 और इसका है 6314। एक मिनट लिख लेता हूँ। हाँ मनु का बोल, शंकर का बोलो ना 6314 ये और इसका है 5 6 8 8 3 0 5 6 8 8 ठीक है ये ना। सीडी के बाद पता है ना क्या करना पड़ता है, वो सब बोलना ना पड़े तुम लोग को। नहीं आ रहा क्या वर्षा टोटल? एक किस किस का ये टोटल आ गया 6311 4 5 सही है ना ये? डन। हम लोग जो ये कैपिटल अकाउंट बनाए ना इसको बोलते बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पता है रचिता कैसे हो गया, चालू हो गया स्कूल? एक हफ्ता हो गया, दूसरा हफ्ता स्टार्ट। बा बा हम लोग जो कैपिटल मैं स्कूल में पीएल अप्रूव स्टार्ट किया ना, थैंक गॉड। चलो हम लोग जो अभी कैपिटल अकाउंट बनाए बेटा इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड? ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक शब्द जो बोल रहा हूँ ना इसको एकदम दिल में बसा लो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये जो बना है इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है सर। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक चीज बनाना पड़ता है जो हम लोग बनाए अभी, सिर्फ एक चीज बनाना पड़ता है बस। क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाए इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। लेकिन सिर्फ एक मेथड नहीं होता कैपिटल अकाउंट बनाने का, दो मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है बेटा फिक्स। वेरी गुड, आपको ही पता है स्कूल में हो गया। दूसरा मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या बोला मैंने? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसमें बेटा एक चीज नहीं बनता है, दो चीज बनता है। पहला बनेगा बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद एक बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसमें बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन बोलेगा फ्लक्चुएटिंग मेथड कैपिटल बनाओ तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है जो अभी बना के दिखाया मैंने। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलेगा नहीं 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 पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड से बनाओ कैपिटल अकाउंट, तो बेटा दो चीज बनाना पड़ेगा। एक बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट और एक बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। राइट, एक बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। अब तुम लोग भले ही बोल दे सर आज मत सिखाइए, बट ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैंने टॉपिक छेड़ा है ना बेटा, तो आज समझाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अरे बेटा कारण होता है, रीजन होता है हर चीज का। चलो हाँ चलो हेडिंग दो, हेडिंग दो फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अच्छा
दिखा रहा हूं मैं, फिक्स कैपिटल का तो दिखा रहा हूं, सुन लो प्लीज सुन लो यार, अभी मैं बना रहा हूं फिक्स कैपिटल मेथड, उसमें सुनो पहले देख लो ना, नहीं तो मेहनत झूठ मुठ का लग जाएगा, फिर बोलेगा सर बताए नहीं मैंने, कल रात उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसमें बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट एकदम फिद्दू सा बनेगा चार लाइन का, फिर बना रहा अभी पहले बोल रहा हूं देख लो, हड़बड़ी बहुत करता है तुम लोग। पार्टनर्स करेंट अकाउंट डबल बना लेना, बनाओ तो बना भी नहीं रहा, क्या बोले जल्दी छुट्टी भी चाहिए मेहनत भी नहीं करना, ठीक है। शंकर मनु चल रहा है ना अभी, सेम फॉर्मेट रहेगा, बस एक का नाम है बेटा कैपिटल अकाउंट और एक का नाम है करेंट अकाउंट, इतना आसान है ना, इसलिए मैंने बोला आज ही खत्म कर देते हैं इसको। हाँ बेटा वो लिखना पड़ेगा, हाँ एक कॉलम और बढ़ जाएगा, तीन से ज्यादा नहीं होता जनरली, होगा तो एक और बढ़ जाएगा बट होता नहीं है, ठीक है। जैसे आज अपने सम की था DEF वाला, तीन था, तीन से ज्यादा नहीं देता है PL अप्रूव में, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम केस में अलग बात है। अब सुनो ये बना तुम लोग का फॉर्मेट, अभी तक रचिता क्या क्या कवर हो गया स्कूल में इस टॉपिक पे, हम लोग जितना पढ़ाए सब हो गया, हाँ उससे आगे भी चला गया, चलो फॉर्मेट बना, आओ पहले मेरा बात ध्यान से सुन लो ताकि बना पाओ, सुनो एंड नो कि ऐसा, यू शुड नो कि ऐसा नाम क्यों पड़ा है, यू हैव टू नो द लॉजिक ना, कोई भी चीज के पीछे लॉजिक होता है। पहला मेथड का नाम था फ्लक्चुएटिंग, क्या था, इस मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल, क्या नाम है, महक फिक्स्ड कैपिटल मतलब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स कर दो, क्या कर दो फिक्स, कैसे करें एक चीज समझाओ महक मेरे को, मैंने बोला हर पार्टनर का कुछ कैपिटल में बैलेंस होता है, उसको अपने बाई बैलेंस BD लिखते हैं, शंकर का कितना था याद है 2 लाख था, और मनु का कितना था बेटा, अगर तुम वर्षा बात करो अगर तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देगा, सपोज अगर तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देगा यहां पर समझो प्लीज, और कुछ नहीं है सैलरी कमीशन कुछ नहीं है सपोज, तो मान लो ये 10,000 सपोज है और ये 15,000 है, ठीक है, जब इसका CD करोगे कितना आएगा बेटा, 2,10,000 आएगा, 4,15,000 आ जाएगा, CD बदल गया, अगर तुम्हारा BD 2 लाख था मगर CD तो बदल गया, CD क्यों बदला, क्योंकि तुमने गंदा चीज डाल दिया, क्या डाल दिया, इसका मतलब तुम्हारा कैपिटल फ्लक्चुएट कर गया, तो फ्लक्चुएटिंग में तो सब डाल देते हैं हम लोग क्योंकि उसको फ्लक्चुएट कराना है हम लोग को, फ्लक्चुएटिंग याद करो सब डाल दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन शेयर ऑफ प्रॉफिट सब डाला फ्लक्चुएटिंग में बेटा, जितना है सब डाल दो, लेकिन ये फिक्स मेथड है, इसमें कैपिटल को फिक्स रखना है, क्या रखना है, यानी जितना तुम्हारा कैपिटल है सिर्फ वही रहेगा, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं जाएगा, सैलरी कमीशन शेयर ऑफ प्रॉफिट, अरे मतलब नहीं जाएगा तो हिसाब तो मिलेगा नहीं, तो ये सब बेटा करेंट अकाउंट में चला जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत लिखना प्लीज, बाय सैलरी बाय, ओके। लेकिन शंकर ने बेटा एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया था ना, शंकर ने क्या लगाया था, वो एक्स्ट्रा कैपिटल कैपिटल का ही तो पार्ट है, तो किस अकाउंट में जाना चाहिए, तो बेटा यहीं पे आएगा वो भाई कैश करके, मतलब अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा कैपिटल लगा रहा है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, मगर क्योंकि कैपिटल तो फिक्स रखना है ना, तो कैपिटल से कैपिटल तो बढ़ेगा ही, मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण कैपिटल बढ़ना नहीं चाहिए, सैलरी के कारण बढ़ना नहीं चाहिए, कमीशन के कारण नहीं बढ़ना चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट के कारण, वो सारा अप्रोप्रिएशन का जो आइटम है वो इसमें आ जाएगा, PL अप्रो का आइटम सारा किसमें आ गया, इसमें आ गया, मगर जो पार्ट हम लोग छोड़ देते थे ना
वो इसमें आ गया, यानी कैपिटल और फर्दर कैपिटल, पहला चीज समझा। उस क्वेश्चन में अगर तुम देखेगा ना शंकर और मनु वाले में, उसमें करेंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है। शंकर और मनु वाले क्वेश्चन में बेटा करेंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है। देखो देयर करेंट अकाउंट बैलेंस कितना है, 50 और 1 लाख। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस तुम बुड़बक तो नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में डालेगा, किस में डालेगा? तो बाई बैलेंस बीटी, ये क्या चीज का बैलेंस है? 50,000 और 1 लाख। लेकिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किस में डालेगा? 2 लाख और 4 लाख कैपिटल। अभी तक समझा? मतलब कैपिटल अकाउंट में अभी तक दो चीज आया खाली, क्या क्या आया? बैलेंस बीडी और कैश। और करेंट अकाउंट का बैलेंस किस में आया? करेंट अकाउंट में आया। पीएल अप्रो का सारा डेबिट वाला चीज किस अकाउंट में आया? करेंट अकाउंट। यहां तक सर हमको समझ में आया? नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, क्रेडिट साइड में भी तो होता है पीएल अप्रो में, क्या रहता है दो चीज? पीएल अप्रो में तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रहता है, बट अपने को दो चीज डालना पड़ता है इसमें, क्या क्या? एक ड्रॉइंग्स भी आएगा और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आएगा, दोनों तो डेबिट में आता है। तुम याद करो कैपिटल अकाउंट अभी जो बनवाया था मैंने, उसमें 2 ड्रॉइंग्स और 2 इंटरेस्ट दोनों लिखा ना, लिखा। तो मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, मैं जब ये मेथड फॉलो कर रहा हूं किस में डालू? कौन कौन बोल रहा है सर कैपिटल अकाउंट में डालिए, ठीक है हाथ नीचे कर। कौन कौन बोल रहा है करेंट अकाउंट में डालिए? द आंसर इज ये डलेगा करेंट अकाउंट में। प्लीज सुनो पहले, प्लीज प्लीज आई हैव टू से समथिंग मोर, जिसमें गुनगुन भी सही साबित होगी। पहले सुनो, मैंने बोला किस में डालो, क्योंकि तेरे को कैपिटल को फ्लक्चुएट नहीं करना है ना, तेरे को कैपिटल को फ्लक्चुएट, तो ड्रॉइंग्स में कैपिटल करंट अकाउंट में जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमको समझ में आता है, ड्रॉइंग्स भी इसमें जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है सर समझ में आता। मगर सुनो बेटा, ड्रॉइंग्स दो किस्म का होता है, क्या बोला मैंने? एक होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज गलती से लिख दिया, एक होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, हर चीज के पीछे लॉजिक देना चाहता हूँ, रटाना नहीं चाहता, रटाने के लिए मैं भी बोल दूंगा ये चीज, रटाने को कैसे होगा मैं वो भी सिखा दूंगा कैसे रटाया जाता है, बट समझो प्लीज। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, प्लीज सुनो। मान लो वर्षा का कोई छोटा सा बिजनेस है, इसने 1 लाख रुपया अपना बिजनेस में लगाया, कितना लगाया? वर्षा का 40,000 का प्रॉफिट हो गया, कितना का? वर्षा के एंड में उसका कैपिटल कितना बन गया? 1,40,000 बन गया। वर्षा सोच रही है कुछ शॉपिंग कर ले, ड्राइंग्स कर लेते हैं, वर्षा सोच रही है कुछ खर्चा कर लेते हैं, 40,000 कमाए हैं तो वर्षा सोच रही है कुछ खर्चा कर लेते हैं। वर्षा के पास दो ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन या तो 40,000 जो प्रॉफिट कमाई है वहां से निकाल ले, या तो बिजनेस में जो 40,000 प्रॉफिट कमाई है ना वहां से निकाल ले, या फिर वो प्रॉफिट को वैसे ही रखे जो 1 लाख रुपए उसका कैपिटल था वहां से निकाल ले, समझ रहे मेरा बात? उसका मन है 40,000 का प्रॉफिट भी पड़ा है और 1 लाख, इमेजिन करो पैसा है 1 लाख और 40,000, 1 लाख और 1 लाख रुपए ऊपर वाले लॉकर में पड़ा है जो लगाई थी, 40,000 वाला नीचे के लॉकर में पड़ा है, टोटल कितना है ना वो डिसाइड कर रही है, मेरे को शॉपिंग करना है, मैं ऊपर वाला 1 लाख निकालू या नीचे वाला प्रॉफिट ड्रॉअर वाला जो है वो निकालू। अगर वो नीचे वाला लॉकर से लेती है 40,000 वाला, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन वो बोले नहीं यार मेरे को प्रॉफिट वैसे ही रखना है, मैं ऊपर वाला लॉकर से खोलती हूँ, वो क्या हो गया बेटा? नाउ अब तुम लोग जब इतना समझदार हो गया मेरे को बताओ, अगर वो अपना लॉकर से छेड़खानी कर देती है ऊपर वाला, उसका कैपिटल हिल जाएगा कैपिटल? तो अगर वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करती है बेटा, तब तो गुनगुन राइट हो जाएगी। तो अगर ड्रॉइंग्स आएगा, ड्रॉइंग्स आएगा, अगर वो ड्रॉइंग्स कहां से हो रहा है बेटा? इफ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है ना बेटा, इफ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर उसका ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है बेटा, तब वो ड्रॉइंग्स कहां से आएगा बेटा? तो ये ड्रॉइंग्स तब आएगा बेटा जब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट नाउ लास्ट क्वेश्चन, मैं फिर छुट्टी दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि वो ड्रॉइंग्स कहां से हो रहा है, खाली बोल दिया ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन तो ऐसे ही बोल रहा है। अभी तक जितना क्वेश्चन किया कोई में बोला कि ड्रॉइंग्स कहां से हुआ, क्या मानेगा? मतलब कैपिटल मानेगा या प्रॉफिट मानेगा? श्योर एकदम सही। इफ क्वेश्चन कुछ ना बोले, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाएगा, मगर अगर क्वेश्चन बोल दिया ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल में डालेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उस शंकर मनु वाला सम्स है, उसमें कहां डालेगा ड्रॉइंग्स? करेंट अकाउंट में। शंकर मनु का सम्स में मेरे को दोनों फॉर्मेट बना के दिखाओ, तो फटाफट कैपिटल और करेंट दोनों, शंकर मनु और बीडीसीडी करके दिखाओ, चलो फटाफट मैं देख रहा हूँ सबका।
एक सेकंड,